हाँ जी, कैसे हाल चाल? आज मंगाया मैंने अपने रेडमी, जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रेडमी के लिए एक केस मंगाया है। और इस केस के अलावा तीन चार चीज़ें और मंगाई हैं मैंने, और वो मंगाई हैं मैंने लाइट्स। और लाइट्स का क्या सीन है कि अभी मैं लाइट वाले को बुलाया था, तो बोल रहा है कि हैंगिंग लाइट्स जो है ना, वो औजार लेके पूरा नहीं आया है, तो फिर वो कल लगाएगा। तो फिर कल जब लगाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैंने जो रेडमी के लिए K20 के लिए जो कवर मंगाया है वो इस तरीके का है, और ये कवर जो है लगभग 450 का कवर आया है। ये पूरा पूरा ये रिजिड हार्ड कवर है, ये रफ्ड कवर है, इसको यहाँ से निकाल लिया है। और इस तरीके का इसमें मिल रहा है चीज़ें, और अंदर की तरफ ये इसमें लगा हुआ है, कुछ प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। हालांकि ये यहाँ से हट सकता है, देखते हैं कि हटाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे की तरफ रिंग है, ये शायद अच्छी तरह इसमें ग्लूड है, तो ना हटाएं तभी सही रहेगा। और पीछे की तरफ ये है भैया, गजबी तरीके का लग रहा है, ये देख पा रहे हैं ना, क्योंकि फ़ोटो में गजबी लग रहा था। मैंने कहा यार, इसके एक तो K20 के ज़्यादा कवर मिलते नहीं हैं, अब जब मिल रहा है तो देखते हैं मंगा के कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसी कंपनी के साथ ही पहले से ही लगा लगाया मिला था, और वही मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी जो मुझे और भी मार्केट में मिलते थे वो ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का है ये पूरा, और लेकिन प्लास्टिक ये सॉफ्ट है, ये जो ब्लू कलर की प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट लग रही है छूने। और जो अंदर की ब्लैक है ये भी मतलब उतना चिकना नहीं है प्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे किनारे किनारे ये बोल्ट टाइप के दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बढ़िया एकदम कॉम्पैक्ट फ़ोन लगेगा जब इसमें लग जाएगा तो। और दूसरी बात ये कि जब इसको इस तरीके का इसमें चीज़ें आ रही हैं, मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया इस तरह का है सामान, इसको इस तरह से रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, टेबल पे रखा हुआ है तो फ़ोन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं कुछ, और कुछ भी अपना कुछ सॉन्ग वॉन्ग देख रहे हैं तो इस तरीके से यूज़ होता है। बाकी शायद जो आजकल लोग यूज़ कर रहे हैं वो इसको उंगली में इस तरह से करके यूज़ कर लेते हैं, जैसे कार चलाते वक्त कुछ लोग यूज़ करते हैं, बट यूज़ करना नहीं चाहिए। या फिर बाइक के पीछे बैठे हुए हैं, तो बाइक के पीछे बैठे हैं तो कभी कभी क्या डर रहता है कि हाथ से फ़ोन छूट ना जाए, तो फिंगर इसमें ये इस तरह के डाल लेते हैं, उसके बाद फिंगर डाल के इंसर्ट करके आराम से यूज़ करो। और उसके बाद ये यहाँ से रोटेट भी हो जाता है, ये देखो यहाँ से ये इतना इतना पूरा ही रोटेट हो जाता है, 360 डिग्री कितना भी रोटेट कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। और ऐसा नहीं कि रोटेट होकर पूरा, ये देखो इतना हुआ अटक गया, इतना हुआ यहाँ पे रोक रहा है, इसका मतलब ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया ये है कि इसको पूरा, ये नहीं कि ऐसे है तो पूरा इस तरह करके घूम जाए, तो इस ये बहुत अच्छा है। और इसको हम वापस यहीं पे लगा देते हैं तो बहुत अच्छा डिज़ाइन, अगर ये अंदर लगा हुआ है तो ये भी अच्छा फील कर रहा है, और अंदर की तरफ ये इस तरह का डिज़ाइन है। तो जो फ़ोन है, ये इसके पीछे का हिस्सा है फ़ोन का, वो कभी कभी क्या होता है, बहुत अंदर का ये कवर जिसका बहुत हार्ड होता है तो उसके जो कलर जो है छूटने लगता है। और चूँकि K20 जो है, रेडमी K20, इसका पीछे कलर वैसा नहीं है पूरा का पूरा, इसके जो पिछला हिस्सा है, तो मेरे पास जो कलर रेड है तो रेड के पिछले हिस्से में भी एक छोटा सा ग्लास लगा हुआ है, कुछ एक ग्लास की परत लगी हुई है, तो ऑलरेडी काफ़ी मतलब ठीक है, मजबूत है, कॉम्पैक्ट है, और उसके ऊपर से ये कवर आ जाता है, तो ये बहुत ही बढ़िया फील कराएगा। अब इसको लगाता हूँ मैं, और लगा के एक दो फ़ोटो किसी दूसरे फ़ोन से खींच के तब मैं लगाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो देख के बताना कैसा है। आप भी ये सब मंगा सकते हो, इस तरह के जो कवर केस आते हैं, 450 का के आसपास मिला शायद, 445 रुपये का, तो ठीक है, बाकी यूज़ करते हैं और देखते हैं कैसी लाइफ रहती है, कैसी ड्यूरेबिलिटी रहती है इसकी।